यहाँ से और फर्दर डाउनसाइड खुलेगा जिसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इमीडिएटली आ जाएगा या फिर एक पुल बैक के बाद आएगा? अभी फिलहाल डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं है, नवंबर से नई एक्सपायरी होगी और रोल ओवर फिगर्स भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स की रोल ओवर फिगर देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल आज बाजार की अगर आप सेंटिमेंट की बात करें, आप ये पिछले 6 दिन में 1000 पॉइंट इरोड हो चुके हैं, सिर्फ आप निफ्टी पर ही बात करें, और इसी तरह से आप बैंक निफ्टी पर भी देखें, वहाँ पर भी अच्छी खासी इरोजन देखने को मिली है। पिछले 6 महीने के इनफैक्ट जो गेंस थे वो कहीं ना कहीं इस वीक में, इस 6 डेज में इरोड हुए हैं। और बड़ी जो हैमर्ड स्टॉक्स हैं वो ऑफकोर्स PSU बैंक स्टॉक्स देखने को मिले हैं, लेकिन अब इस फॉल में पार्टिसिपेट सारे सेक्टर्स कर रहे हैं। ये देखना होगा रोल ओवर फिगर्स में कि कहाँ पर नवंबर सीरीज के लिए आपको बेटर ट्रेड्स दिखते हैं। लेकिन अभी जब हम क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप स्टॉक्स देखें जहाँ नंबर्स का इम्पैक्ट बेटर था, एक्सिस बैंक का दिन भर रिलेटिवली स्ट्रेंथ के साथ था, HCL टेक के, इनफैक्ट पूरे IT पैक में टेक महिंद्रा के वीक नंबर, डिसअपॉइंटिंग इनफैक्ट नंबर्स आए थे, और टेक महिंद्रा से रिकवरी बहुत, इनफैक्ट थोड़ा रिकवर जरूर हुआ था, जिस नोट पे खुला था 3% तक के स्लिप हुआ था, लेकिन फिर भी 2% का हैमरिंग तो आपको टेक महिंद्रा पे आज दिखाई है। और इनफैक्ट ऐसे ही आप दूसरे जो काउंटर्स देखेंगे उनमें अब कहीं ना कहीं ऑटो भी आपको वीक दिख रहा है। ऑटो में M&M जैसे स्टॉक्स 1500 के लेवल पे आ गए, 4-4.5% की गिरावट आपको M&M टॉप लूजर्स में है। एशियन पेंट्स, पेंट स्टॉक्स फिर से आपको, और एशियन पेंट्स के तो आज नंबर आए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ 8-9% की एक्सपेक्टेड थी और 6% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि ये एक ट्रिगर पॉइंट था कि लास्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं क्रूड का प्राइजेस भी इतने ऊपर नहीं थे तो शायद इनके मार्जिन बेटर होते, लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन पर एक व्यू जरूर था, लेकिन उसके चलते डिसअपॉइंटिंग नंबर्स, और क्रूड ऑफकोर्स ऑन द अपसाइड है, तो आप वहाँ पर भी एक यहाँ डैमेज ही देख रहे हैं, 3.5-4% की इनफैक्ट आप एशियन पेंट्स पर देख रहे हैं कि जो गिरावट के साथ बंद होने की तैयारी कर रहा है। बजाज काउंटर्स दोनों ही, बजाज फिनेंस, फिनसर्व, दोनों में लगभग 3.5-4% की गिरावट, और उसके अलावा आप जितने भी एग्री केमिकल स्पेस में देखें तो उसमें जो निफ्टी का हैवी वेट है UPL, वहाँ पर भी आज लगभग 3%, इनफैक्ट 620 के आसपास था ये काउंटर पिछले 6 दिन में, लगभग यहाँ से भी 60-70 पॉइंट्स इरोड हुए हैं, लगभग 15-17% इरोड वहाँ हुआ है। और इनफैक्ट बाकी दूसरे काउंटर्स आप देखें जो गिरने वाले काउंटर्स में, नेस्ले जैसे काउंटर, JSW स्टील, रिलेटिवली आपको स्टील काउंटर्स में, मेटल काउंटर में फिर भी बेटर स्ट्रेंथ दिख रही थी, लेकिन वो भी इरोड होती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल एक बड़ी करेक्शन पिछले 6 दिन में, 6-7 दिन में दिखाई दी है। सेक्टोरिकली वाइज भी बात करें, हम एक बार मिड कैप का भी चेक ले लेते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा हैमर्ड हुए हैं। इनफैक्ट कई स्टॉक्स जो हैं जो अपने मार्च हाई से लगभग 50-55% गिर चुके हैं, और उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स ज़्यादा हैं। जुबिलेंट फूडवर्क नंबर्स का इम्पैक्ट दिखा, 5% ये नीचे। वरुण बेवरेजेस जैसे काउंटर्स, कोरोमंडल, हालांकि यहाँ नंबर्स इतने बुरे नहीं थे, लेकिन एक स्टॉक चल चुका था इसलिए यहाँ भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है 4-4.5% की। PSU बैंक्स के जो स्टॉक्स थे उसमें यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स वीक दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट L&T फाइनेंस में, L&T फाइनेंस जैसे पावर के कुछ काउंटर्स में, हालांकि ये रिलेटिवली स्ट्रेंथेबल सेक्टर्स थे, इनमें इतनी गिरावट नहीं आई, लेकिन RSC, PFC यहाँ पे भी आपको आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को क्लियरली मिल रही है। कुछ और काउंटर्स जो इन दिनों में भी वीक नहीं हुए थे, उनमें रियल एस्टेट के कई काउंटर्स थे, प्रेस्टीज जैसे काउंटर्स में भी आपको अब एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और बढ़ने वाले काउंटर्स में सोना कॉमस्टार, सोना BLW के नंबर्स आए थे, अच्छे नंबर्स आए, इनफैक्ट मार्जिन भी बहुत अच्छे स्केल पे आया और पैट में भी अच्छी खासी जंप थी, इसलिए आप सोना कॉमस्टार को देखें तो 3.75% की तेजी वहाँ है। JSW एनर्जी ने इतना शार्प आज दिन भर में रिकवर किया, 1% की तेजी वहाँ पर दिख रही है। और रिटेल और जितने भी फैशन अपैरल के काउंटर्स हैं, टेक्सटाइल काउंटर्स हैं, उनमें अच्छी मूव है और आपको वो दिख रहे हैं, आदित्य बिरला जैसे काउंटर्स, ट्रेंड जैसे काउंटर्स जो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं। देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा नवंबर सीरीज के हम शुरुआत कैसे करते हैं। अक्टूबर सीरीज तो काफ़ी लाइट रही और लेकिन अब नवंबर सीरीज में किस तरह का डेटा निकल कर आता है, ये सारी चीज़ें, रोल ओवर फिगर्स क्या रहती हैं, कल सुबह आपके सामने फिर होंगे हाजिर, ग्लोबल क्यूज़ को भी लेकर आएंगे और किस तरह के रोल ओवर फिगर्स रहे, FNO का एक्शन कहाँ कहाँ आ रहा, ये सारा ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे।